हे गाइस, व्हाट्स अप। आज फर्स्ट मई है, लॉकडाउन ओपन होने के लिए और 2 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी जो न्यूज वगैरह में जो बता रहे, शायद कुछ सिटी जो है लॉकडाउन रहेगा चालू और जोन वाइज जो है वो लॉकडाउन खुलेगा। तो ये एक और एक जो है सोचने वाली बात है कि पता नहीं पूरा लॉकडाउन कब खुलेगा और कितना टाइम लगेगा इसको ओपन होने के लिए। और मायरा भी जो है घर पे बैठे बैठे भी बोर हो गई है। मायरा ने लेकिन बहुत कुछ सीख लिया है ना। मायरा घर पे बैठ के पेंटिंग करती है, फ्रिज से खुद जाके चीजें लेके मिल्क पी लेती है, स्नैक्स खा लेती है ना। स्नैक्स सिर्फ चॉकलेट, राइट। क्या कर रहा है मायरा? दूध में चॉकलेट डाल रहा है। ओहो, वेरी गुड। हर्षिल डाल के पी रहा है। हाँ। कितना डालेगा? वाह, मायरा खुद से सब कर रही है, वेरी गुड। पर ये दूध बहुत चिल्ड रहेगा ना। हाँ, तो फिर से तो निकालना तो चिल्ड ही तो होगा। गिरा दिया। गिरा दिया, चलेगा, कोई बात नहीं। ये मेरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है और ये मेरे बेडरूम में कॉर्नर पे इसको सेट किया हुआ है। और वीक डेज वगैरह में बैठ के मैं यहीं पे अपना काम वगैरह ऑफिस का करते रहता हूँ। आज लेबर डे है तो आज छुट्टी का दिन है। जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, चाय बनाने का जो ड्यूटी है वो मेरा ही है। अभी चाय बना लेते हैं और एक चीज है कि चाय बनाने के लिए खुद ही करना होता है। कुछ आए ना आए, लेकिन चाय बनाना आना चाहिए कम से कम इंसान को। कि दूध एक्चुअली फ्रीजर में रखा था तो पूरा आइस हो गया। दूध कब ऐसे चाहिए? नहीं, उसको आप फेंक देगा उसको? हाँ। ठीक है, थैंक यू। ये है, लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे काम वाम हो रहे सब। अभी जो है मैं आप लोगों को कुछ आज एक चीज बताने वाला हूँ। वो ये है कि मेरे यहाँ पर जो है क्वारंटाइन सेंटर खुल चुका है। ये वो बिल्डिंग है जो अभी अभी नया बना है ये, और मेरे बालकनी से इसका व्यू बहुत क्लियरली दिखता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये 3 फ्लोर यूज कर रहे हैं ये लोग, और इसमें बेड्स वगैरह जो है वो आ चुकी है। कल यहाँ पर सब सामान वगैरह जो है लेकर आए वो लोग,
रात से ही बहुत काम वगैरह भी चल रहा था यहाँ पर। लाइट्स वगैरह लगा दिए थे, बेड्स वगैरह लगा दिए थे। और ये एक बिल्डिंग और इसके सामने वाला जो इसके पीछे एक है और सामने, ये दोनों को यूज किया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर के लिए। और अच्छा है बिकॉज काफी जगह जो है प्रॉब्लम्स हो रही है, तो लोगों को इस इम्पोर्टेंट की जगह मिल जाए। और काफी ऐसी जगह जो है क्वारंटाइन सेंटर के लिए वो लोग दे रहे हैं और गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं, एंड इट इज वेरी गुड ऑल्सो, इट्स वेरी गुड जेस्चर। एंड वी शुड टेक केयर कि ये कोरोना वायरस जो है जल्द से जल्द जो है इसका इम्पैक्ट खत्म हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्द से जल्द। कुछ ट्रैवल प्लान्स जो है वो अभी पोस्टपोन करना सोच रहा हूँ, ये शायद और 1-2 महीना लगेगा जो कम्प्लीटली मुझे अगर कहीं फुल फ्लेज कहीं जाना हो। बट तब तक के लिए जो है मैं आप लोगों को एक बता दूं कि मैं अपना जो टाइम जो पे स्पेंड कर रहा हूँ वो काफ़ी सारे टिकटॉक वीडियोस बना रहा हूँ और मैं टिकटॉक में भी हूँ। अगर आपको वीडियोस देखना है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरा टिकटॉक आईडी फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको टिकटॉक में मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलेगा। और मायरा भी जो है मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाती है और काफ़ी मज़ा आता है। और अभी जो है अभी मैं जस्ट एक वीडियो बना के आया हूँ, कुछ वीडियोस अभी मैंने अपलोड किया है तो आप देख सकते हो उसमें। तो जब तक बाहर जाने मिलता नहीं है तब तक बस घर बैठे ही कुछ करो। कुछ करो और राइट कुछ करो। तो मैं कुछ जगह का नाम बता रहा हूँ जो आप जो इस जगह पे जो है आप घूमने जा सकते हो, वो है मुंबई, एक नो नॉट मुंबई, इट इज सोफा नगर, किचनपुर, बेडरूम हिल्स, बालकनी बाग। तो ये जगह है जो आप अपने घर में रह के इन जगहों पे घूम सकते हो। तो बाहर निकलने की सोचना मत अभी भी, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चालू है। तो ये जगहों पे आप डेफिनेटली बिंदास बगैर किसी डर के आप घूम सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और वीडियोस को देखिए, मेरे नए ट्रैवल वीडियोस एंड एवरीथिंग। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वेरी गुड।